चलिए आप सभी को नमस्ते। आज हम लोग अपनी इस संस्कृत की कक्षा में शब्द रूप जानेंगे। शब्द रूप, बालक का शब्द रूप जानेंगे। शब्द रूप आप अगर कोई जो पिछली कक्षा में पढ़ा है 5 में, तो वो जान रहा होगा। कुछ बच्चे बता रहे थे कि हमको पहली बार सर संस्कृत पढ़ना पड़ रहा है, तो वो भी जान जाएंगे धीरे धीरे। शब्द रूप का प्रयोग आपको बहुत जगहों पर मिलेगा। सबसे पहले तो आपको अनुवाद भी बनाना है ना? जब आप अनुवाद बनाते हैं वहां भी आएगा, पढ़ते समय, लिखते समय, हर जगह पर हमको शब्द रूप की आवश्यकता पड़ती है ना? ये कारक के अनुसार चलता है, इसको आप समझ सकते हैं। कारक भी पढ़े होंगे, हिंदी में भी कारक पढ़े होंगे, है ना? कि कारक जिसका संबंध क्रिया से सीधे रहता है उसे हम कारक कहते हैं, ठीक है? अब इसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ऐसा आप पढ़े होंगे। तो सबसे पहले हम आपको शब्द रूप लिखवा देते हैं, इसको याद भी करना पड़ता है ना? इसमें अलग अलग विभक्तियां होती हैं, अलग अलग वचन होते हैं। आप हिंदी में भी पढ़े होंगे वचन, इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, नंबर पढ़े होंगे वहां पर, यहां पर भी आपको वचन बताया जाएगा। लेकिन आप हिंदी और इंग्लिश में जो वचन पढ़े हैं, तो वहां पर हिंदी में एक वचन बहुवचन, इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल, लेकिन यहां पर एक वचन द्विवचन बहुवचन, तीन होते हैं वचन। वचन कितने होते हैं? तीन होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन। हिंदी में तो आप पढ़े एक वचन बहुवचन, एक है तो एक वचन और एक से ज्यादा हो गया तो बहुवचन, लेकिन यहां पर एक वचन द्विवचन और बहुवचन। एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, दो से ज्यादा है तब बहुवचन है। ऐसे इंग्लिश में भी एक है तो सिंगुलर और एक से ज्यादा है तो प्लूरल, लेकिन संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो इसमें तीन वचन होंगे। 7 विभक्तियां होंगी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और एक संबोधन। तो संबोधन में भी प्राय प्रथमा विभक्ति को ही रिपीट कर लिया जाता है। तो संबोधन सर्वनाम रूपों में नहीं होता है, संज्ञा शब्द के जो रूप चलते हैं उनमें आता है। तो पहले हम लोग बालकह से शुरू करते हैं, इसका बड़ा ही आसान होता है। आप पढ़े भी होंगे जो लोग 5 में, उनको और आसान होगा, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी आसान होगा। शब्द रूप, ठीक है? ऐसे आप लिख लेंगे शब्द रूप, बालका, लड़का। बालक को क्या कहते हैं हम संस्कृत में? लड़का, ठीक है? अब इसके लिए यहां पर कॉलम बनाएंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। है ना? इसी सीध में लिखना है आपको नीचे, अगर आप चाहें तो इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं ऐसे। इसके लिए प्रथमा विभक्ति आती, प्रथमा विभक्ति पूरा नहीं लिख पा रहे हैं तो वी लिख करके डॉट लगा देंगे तब भी हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति।
प्रथमा विभक्ति, इसमें लिखेंगे बालकः, बालकः, बालकौ, बालका, बालकः, बालकौ, बालका। एक वचन है तो एक बालक, द्विवचन है तो दो बालक, बहुवचन है बालका लिखा हुआ है तो बहुत सारे बालक है। अब जैसे बालक जाता है, यदि लड़का जाता है तो बालकः गच्छति, उसके लिए हम धातु रूप भी बताएंगे, धातु रूप अर्थात क्रिया के जो रूप, ठीक है। इसमें आपने देखा है यहां पर लिखा हुआ है बालकः, बालकौ, बालका, एक बालक, दो बालक, बहुत सारे। इसको अगर आप समझना चाहें तो एक लड़का जाता है तो एकः बालकः गच्छति, एक लड़का जाता है तो एकः बालकः गच्छति, या लड़का जाता है तब भी लिखेंगे बालकः गच्छति। दो बालक जाते हैं या दो लड़के जाते हैं तो द्वौ बालकौ है ना, द्वौ बालकौ गच्छतः। लड़के जाते हैं ना, ये नहीं कि बहुत सारे लड़के, ये भी कहा जा सकता है सेंटेंस कि लड़के जाते हैं, बालकाः गच्छन्ति, बालकाः गच्छन्ति, ऐसे वहां पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो प्रथमा विभक्ति में हमने लिखा बालकः, बालकौ, बालका, ठीक है। द्वितीया में देखिए, द्वितीया, यहां पर विभक्ति हो गई, आप समझ ही गए कैसे लिखना है ना। यहां पर लिखेंगे बालकम, फिर से यहां लिखेंगे बालकौ, ठीक है, फिर यहां लिखेंगे बालकान, बालकम, बालकौ, बालकान। यहाँ बालकम में नीचे हलंत लगा हुआ है, एक छोटी सी पाई नीचे की तरफ देते हैं तो बालकम हो गया। यहाँ पर लग रहा है कि रिफ्लेक्शन ज्यादा है, लाइट आ रही है तो दिखाई दे रहा होगा, है ना। बालकम, बालकौ, बालकान, ऐसे ही तृतीया में लिखेंगे तृतीया विभक्ति बालकीन, बालकाभ्याम, बालकई, ये दिख रहा है बालकेन, चतुर्थी विभक्ति, बालकाय, बालकाय। यहां पर आप इसको डैश तो नहीं करेंगे, हम कर दे रहे हैं, सेम यही चीज रहेगा,
और यहां पर फिर लिखेंगे बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य। इस डॉट का मतलब हुआ कि सेम जो ऊपर वाला है ना वही नीचे भी इस लाइन में भी आएगा, जो ऊपर है वही इस लाइन में भी आएगा। पंचमी विभक्ति में बालकात फिर से यही डॉट ठीक, यहां भी वही वाला लेकिन आप अपनी कॉपी में पूरा लिखेंगे, ये नहीं कि हम यहां लिख दिए, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम पड़ रहा है इसलिए हम ऐसा कर दिए। बालका बालकाभ्याम बालकेभ्यः पंचमी में भी यही रहता है। फिर ये आपने देखा बालकः बालकौ बालका बालकम बालकौ बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकैः बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः। तो जैसे जैसे पढ़ेंगे यहां पर आपको विभक्ति भी समझ में आएगी कि हाँ पहली लाइन अर्थात प्रथमा विभक्ति, दूसरी लाइन द्वितीया विभक्ति, तीसरी लाइन तृतीया विभक्ति, चतुर्थी लाइन चतुर्थी विभक्ति, पांचवी लाइन पंचमी विभक्ति, ऐसे ही षष्ठी ये जो वी लिखा हुआ है ना इसको विभक्ति पढ़ेंगे, यहां पर षष्ठी विभक्ति बालकस्य बालकस्य बालकयो बालकयो बालकानां बालकानां है ना बालकश्य बालकयो बालकानां षष्ठी विभक्ति में बालकश्य बालकयो बालकानां ऐसे लिख लेंगे। अभी आपको इसका फिर से यूज बता देंगे हम। ऐसे ही फिर सप्तमी विभक्ति बालके बालकयो बालकानां बालकेषु और संबोधन हे बालकः यहां पर संबोधन का ऐसे चिन्ह देंगे हे बालकौ हे बालका
हे बालका, ऐसे लिखेंगे, दिखाई दे रहा है सभी को। तो यहां पर आपने देखा प्रथमा विभक्ति बालकः बालकौ बालका, द्वितीया विभक्ति बालकम बालकौ बालकान, तृतीया विभक्ति बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, चतुर्थी विभक्ति बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, पंचमी विभक्ति बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, षष्ठी विभक्ति बालकस्य बालकयोः बालकानां, सप्तमी में बालके बालकयो बालकेषु, संबोधन में हे बालकः हे बालकौ हे बालका। अब इसका हम प्रयोग जो स्टार्टिंग में आपको बताए कि अगर एक बालक है वह जाता है तो बालक जाता है बालकः लिखेंगे, बालकः गच्छति, है ना, बालक को देखता है तो बालकम पश्यति, बालक को देखता है तो बालकम पश्यति, बालकों को देखता है तो बालकान पश्यति। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गई, ठीक है। बालक के द्वारा कहा जाता है तो बालकेन, है ना, बालकेन कथित, बालक के द्वारा कहा जाता है। बालक के लिए कार्य किया जाता है या बालक के लिए दूध लाता है तो बालकाय दुग्धम आनयत, है ना, बालक से लेता है बालकात, है ना, गृहयति ग्रहण करता है। वह बालक का भाई है तो बालकस्य भ्राता, बालक का भाई तो बालकस्य भ्राता। बालक में अच्छे गुण है, बालके बालक में, बालके बालक में, या बालकों में तो बालकेषु, ऐसा लिखते हैं। बालकों का बाल का नाम होता ना, बच्चों का या छात्रों का रहेगा वैसे छात्रा नाम हो जाएगा। तो अब ये जो बालक का रूप आप जब पढ़े, अब यहां पर बालक कह बोल रहे हैं, ऐसे ही मिलता जुलता जितना यहां पर बालक कह बोले तो लास्ट में अह बोल रहे हैं, अकारांत इसको बोलते हैं, अकारांत पुलिंग का रूप हुआ ये, अकारांत पुलिंग का यह रूप हुआ। अब अकारांत पुलिंग का जो भी रूप होगा हम इस बालक के रूप पर ही लगा सकते हैं, जैसे राम होता तो राम का रूप हमको फिर से याद करने की जरूरत नहीं है, अगर बालक का रूप हमको याद है तो उसी पे हम राम लिख देंगे। देखो रामः रामौ रामा, मोहन कराएगा तो मोहनः मोहनौ मोहना, ऐसा भी कर सकते, ठीक है। देव है तो देवः देवो देवा, ठीक। इस प्रकार से हम इस रूप को याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, बालकः बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालकः हे बालकौ हे बालका। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा आपको जो याद करना है वो एक वचन के रूपों को याद करना, एक वचन में सभी अलग है लेकिन द्विवचन और बहुवचन में बहुत से जगह पर आपको ऊपर वाला ही नीचे भी है। देखिए द्विवचन में पहली लाइन में भी बालकों हुए, दूसरे में भी बालकों हुए,
यहां देखिए तीन ठो लगातार एक ही रूप, बाल काभ्याम बाल काभ्याम बाल काभ्याम। षष्ठी और सप्तमी में भी देखिए द्विवचन में बालकयो बालकयो। आपको बहुत ज्यादा द्विवचन और बहुवचन में नहीं याद करना, सबसे ज्यादा केवल इसमें याद करना, एक वचन में। इसमें आह कम केम काय कात कश के याद कर लेंगे बस, हो जिसका भी बैठाना है सब बैठा। कह आह लिखा हुआ ना, आह तो रामः, अम तो रामम, एन तो रामेन, आय तो रामाय, आत तो रामात, अश्य रामश्य, है ना, ए तो रामे, ऐसा हम इसमें बिठा लेंगे। बाकी सब सेम है। बहुवचन में भी देखिए बालका बालकान बालकई, तीन अलग हैं, लेकिन यहाँ दो चतुर्थी और पंचमी में बालकेभ्य बालकेभ्य आया हुआ है। तो सबसे ज्यादा पहली लाइन में है, और पहली लाइन को अगर हम अच्छे से याद कर लेते हैं तो खूब अच्छे से याद हो जाएगा, और जब आपको याद हो जाएगा तो आपको अनुवाद बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अनुवाद बनाने का भी अच्छा से और आसान तरीका आपको बता दिया जाएगा।